गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न हु वांट टू बिकेम अ फैशन डिज़ाइनर जो मेरे यूट्यूब से डिज़ाइनर बनना चाहते हैं मेरी हेल्प से आगे बढ़ना चाहते हैं मैं उनका वेलकम करती हूँ और आज से मैं स्टार्ट करती हूँ फैशन डिज़ाइनिंग का फर्स्ट चैप्टर। मेरी क्लासेस ये जो मेरा पूरा का पूरा जो कोर्स है जो सिलेबस है वो 45 डेज के लिए है जिसमें मैं आपको 45 डेज तक कंटिन्यूसली अपनी फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस लूँगी और आपको फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्म करने की इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो टीचिंग लेसन है जो लर्निंग प्रोसेस है जो डेवलपमेंट डिज़ाइनर का होता है वो किस तरीके से क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं क्या क्या उसमें बिगिनरीज के लिए जो बिगिनर्स हैं उनको फर्स्ट स्टेप कौन सा लेना है स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ मैं उसमें बताऊँगी। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास को जैसे कि सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। ओके गाइस तो मैं सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊँगी जो सिखाना है मुझे वो है डिज़ाइन टेक्निक। ओके आप अपनी डायरी में या कॉपी पे कहीं नोट पैड पे इसे नोट कर लीजिए। हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है द नेम इज़ डिज़ाइन टेक्निक एंड डिज़ाइन प्रोसेसिंग या डिज़ाइन अप्रोचेस कि आपको डिज़ाइन टेक्निक एंड अप्रोचेस डिज़ाइन टेक्निक एंड डिज़ाइन डिवेलपमेंट डिज़ाइन टेक्निक एंड डिज़ाइन प्रोसेसेस किसी भी नाम से आपको इसको नोट डाउन करना है बट आप डिज़ाइन टेक्निक इज द फर्स्ट इसको आपको पहले नोट डाउन करना है। तो डिज़ाइन टेक्निक्स में सबसे पहले सब्जेक्ट्स में आज मैं आपको बताने वाली हूँ बॉडीज ब्लॉक। बॉडीज ब्लॉक के बारे में हम बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि मैम हमें 9 हेड्स फिगर पे वर्क करना है आप हमें उसका बनाना बताइए या 10 हेड्स पे वो काम करना चाह रहे हैं कुछ 10 हेड्स की बॉडीज ब्लॉक को सीखना चाह रहे हैं। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा स्टैंडर्ड साइज है वो है 12.5। ध्यान रहे कि जिस जब भी हम इलस्ट्रेशन करते हैं जो भी मॉडल्स हैं जो जिसको इलस्ट्रेशन को हम अपना उसको एक स्टैंडर्ड साइज होता है 12.5 का। मैं 9 हेड क्रॉकीज को भी आपको ड्रॉ करना बताऊंगी। अब बॉडीज ब्लॉक को सेकंड नेम होता है क्रॉकीज। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि मैम व्हाट इज क्रॉकी। क्रॉकीज बॉडीज ब्लॉक को जो हमारे फिगर ड्रॉ होता है जो साइज होता है उसको हम 9 हेड्स क्रॉकी 10 हेड्स क्रॉकी 12.5 क्रॉकीज या 13.5 क्रॉकीज के नाम से भी जानते हैं। बट 13.5 पे आई थिंक मुझे बहुत ही कम डिज़ाइनर से मैं जानती हूँ जो बहुत कम डिज़ाइनर जो इस पर वर्क करना पसंद करते हैं बट स्टैंडर्ड साइज है 12.5। मैं आपको स्टैंडर्ड साइज पर ही वर्क करना बताऊंगी जिससे आपका जो पोर्टफोलियो जब आप बना रहे हो तो उसको उसी पर आप प्रैक्टिस करो और आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ओके गाइस तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है डिज़ाइन टेक्निक एंड अप्रोचेस। ओके अब हम इसको जो ड्रॉ करेंगे सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से ये 12 इंचेस का हमारा स्केल है 12 इंचेस का स्केल है बट हमें इसको इसमें 5 पॉइंट इसमें आधा इंच हमें और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा तो हमारा इसको बढ़ा करके तो ड्रॉ एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर लाइन का सेकंड नेम इज़ दैट मैं टर्मिनोलॉजी भी आपको बीच बीच में बताती रहूँगी कि एक वर्ड्स के एक किस तरीके से हम दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक टेक्निक के लिए। तो सेंटर लाइन जो हमारी है उसको हम प्लम लाइन भी बोलते हैं। गॉट इट। ओके बच्चों समझ में आ गया सबको। तो जो हमारा जो सेंटर लाइन है उसको हम सेंटर लाइन भी बोलेंगे एंड देन प्लम लाइन भी हम इसको बोल सकते हैं। कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता प्लम लाइन तो मैम किसी ने पूछा व्हाट इज प्लम लाइन तो मुझे फिर बताना पड़ता सेंटर लाइन इज कॉल्ड द अनदर नेम ऑफ द सेंटर लाइन इज
फ्रॉम लाइन. ओके गॉट इट, समझ में आ गया यहाँ तक. ठीक है, अब हमें सबसे पहले 12.5 की एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है. सब लोग ड्रॉ कर लीजिए. ओके ड्रॉ हो गई. तो सबसे पहले क्या करना है हमें, 12.5 की सेंटर लाइन ड्रॉ हो गई है और उसमें हम 5 पॉइंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि स्केल का, आई थिंक मुझे लग रहा है सारे स्टूडेंट्स यहाँ स्केल को से ड्रॉ करना जानते होंगे. दिस इज 12 इंचेस एंड एक्स्ट्रा इज यहाँ से यहाँ तक, हाफ इंचेस इज कॉल 12.5. ओके गॉट इट. ओके अब आगे बढ़ते हैं. ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको 12.5 का एक प्लम लाइन ड्रॉ करना है. मैंने किया है. ओके सी दिस, दिख रहा है सबको, सबने ड्रॉ कर लिया होगा आई थिंक. अब आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको 3 सेंटीमीटर, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, 1 2 3 3 सेंटीमीटर यहाँ आपको ड्रॉ कर, इसको यहाँ ये हमारा हेड पार्ट होगा. ओके अब हेड पार्ट के 1 सेंटीमीटर दिस साइड, ये 1 सेंटीमीटर दिस साइड एंड 1 सेंटीमीटर दिस साइड. ठीक है अब इसको 1 सेंटीमीटर दिस साइड, दोनों बोथ साइड आपको ड्रॉ करना है. ओके अब इसका जो हमें नेकलाइन है यहाँ से देखिए, अब हमारा नेकलाइन 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा नेकलाइन, और इसमें हमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे डाउन हाफ सेंटीमीटर ही, हाफ सेंटीमीटर इधर दोनों साइड में हमें करना है. ये हमारी नेकलाइन हो गई. अब हमें शोल्डर, जो हमारा शोल्डर्स हैं 1/4 हमें इसमें करना है, 1/4 हमें डाउन करना है यहाँ से एकदम. मैं पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, पॉइंट्स में ही आप अपना मेजर रखिएगा और इसको याद करके रखिएगा. दिस इज शोल्डर्स. अब हमारा यहाँ पॉइंट देना है 8 इंचेस में हमें 8 यहाँ पर 5 6 7 8 हियर एंड सेम इज हियर. सेम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट है जो आपके माइंड में एकदम आना चाहिए. अब स्लोप डाउन हमें करना है यहाँ से, नेक लाइन से हमें यहाँ स्लोप डाउन करना है. ओके गॉट इट. दिस इज स्लोप डाउन. स्लोप डाउन यहाँ से हमारा हिट. ठीक है इसको हम ब्रोकन लाइंस में यहाँ शो करेंगे. 3 सेंटीमीटर डाउन पर हमारा वेस्ट लाइन जाएगा, यहाँ से 3 सेंटीमीटर डाउन हमारा वेस्ट लाइन. और वेस्ट लाइन हमारा कितना होगा,
half inches this side and half inches this side. Now try. See this. ये हमारा बेसलाइन हियर एंड ओके. अब यहाँ से हमें क्या करना है गाइस, ये हमें यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है. इसको बस पॉइंट से लेकर के और बेस लाइन को हमें मिला देना है. शोल्डर स्लोप डाउन. See this? अब 3 सेंटीमीटर डाउन हमें जाना है. फिर से डाउन 3 सेंटीमीटर डाउन और 1/8. जैसे हमने शोल्डर्स के जो हमारा मेजर था सेम हियर ऐसे ही रहने वाला है. ये हमारा हिप लेवल. अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक ठीक है गाइस. अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बनाना रहेगा क्रॉच. क्रॉच लेवल हमारा रहेगा डाउन 1/2 इंच डाउन. अब ये हमारा क्रॉच लेवल. ओके, क्रॉच लेवल हो गया. इसके बाद अब हमारा नी लेवल यहाँ से क्रॉस लेवल से आएगा 3 इंचेस डाउन. यहाँ से 3 इंचेस डाउन हम अगर करते हैं तो ये हमारा क्रॉस लेवल आ जाएगा. और इधर 1 सेंटीमीटर हियर और 1 सेंटीमीटर हियर. यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर. अब इसको यहाँ से और सीरियस ओके गाइस, इतना आपके समझ में आ रहा होगा. अब काफ लेवल और 1/2 इंचेस हियर एंड 1/2 इंचेस हियर. ये हमारा काफ लेवल. सेवन सेंटीमीटर डाउन पर हमारा 7 सेंटीमीटर हमारा डाउन. ये हमारा एंकल लेवल. ये हमारा 1 सेंटीमीटर हाफ ईयर. एंड ओके गाइस, समझ में आ गया होगा आपके अब तक. अब हमारा फीट लेवल लास्ट में हमारा फीट लेवल है. 1 इंच पर हमारा फीट लेवल और हमारा पूरा ये 1 इंच पूरा मेजर हमें इसमें राइट डाउन करना है. मैं आपके लिए इसको नोट डाउन कर दे रही हूँ. 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हेड एंड 3
सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहेगी और 2.5 इंचेस वन। उसके बाद आपका जो है 1/3 इंचेस एंड 1/4 इंचेस, सारा मेजर मैं लिखती जा रही हूँ, बस पॉइंट 1/2 इंच एंड 1 सेंटीमीटर। हिप लेवल सेम रहेगा शोल्डर से, 1 सेंटीमीटर, 1/2 इंचेस, 1/4 एंड 1/2 इंचेस। अब हमारा रह गया है एल्बो है। अब हमको ड्रॉ करना है हैंड। हैंड कैसे ड्रॉ करेंगे, सी दिस, ये हमारी वेस्ट लाइन है। वेस्ट लाइन आप देख रहे हो, इसको हम क्या करेंगे, 1 इसको ब्रोकन लाइंस में यहाँ तक हम शो करेंगे। ओके, यहाँ तक हमारा एल्बो पार्ट आएगा। दिस इज एल्बो पार्ट। अब ये हमें पूरा ऐसे यहाँ तक लेना है, हिप लेवल एंड रिस्ट, जो हमारा रिस्ट लेवल है वो क्रॉच लेवल तक ही आना है। ओके, ये हमारा, अब हमें यहां से इसका हैंड से इस तरीके से हमें ये पूरा ओके गाइज। अब जो हमने बॉडीज ब्लॉक, फीमेल बॉडीज ब्लॉक बनाया है, इसको हम कट कर लेंगे। मैं कट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको जो अपना मैं असाइनमेंट दे रही हूँ ना, आपको भी इस तरीके से बॉडीज ब्लॉक बना करके, एक तो आप बनाएंगे इस तरीके से, एक को तो आपको ऐसे रखना है एज इट इज, एज इट इज आपको रखना है प्लेन एक तरीके से, इसमें कुछ नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा का सारा मेजरमेंट है, इस तरीके से बना करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। ओके, और एक दूसरा जो इसके अलावा आप प्रैक्टिस करेंगे उसको बनाएंगे, उसमें आप इस तरीके से बना करके उसको कट करेंगे और इसको आप इस तरीके से, ये वाली शीट देख रहे हैं ब्लैक शीट, इसको आपको इस पे लगाना है। मैं भी लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से करना है। इसको हमें कट करने के बाद बैक साइड में ग्लू लगाया और हम ब्लैक शीट पे इसको पेस्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा पोर्टफोलियो असाइनमेंट है ये आप लोगों का। ओके गाइज, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। आपको भी ऐसे ही मुझे बना करके, मैं आपको क्या करना है, मुझे असाइनमेंट कैसे आप सेंड करेंगे। बहुत लोगों ने कहा मैम आपको अपना असाइनमेंट हम कैसे दिखाएं, आप कैसे एवेल्यूएट करेंगे और एवोल्यूशन कैसे होगा, तो मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके एक फॉर्म लगाने वाली हूँ जिसमें आपको पूरी डिटेल्स फिल करके अपना असाइनमेंट सबमिट करना है।
ओके गाइस, समझ में आया? आई थिंक अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको अपना नेम, एड्रेस, सिटी एंड आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। जब मैं इसको एवेल्यूट कर लूंगी उसके बाद मैं नेक्स्ट वाला आपकी डेडलाइन भी मैं दे रही हूँ असाइनमेंट की। मुझे आपका जो ये वाला असाइनमेंट है 15 जून तक ये सारा बॉडीज ब्लॉक, फ्लैश आउट फिगर एंड वन इलस्ट्रेशन, मुझे ये तीनों चीजें चाहिए। ओके, उसके बाद पोजेस वाला जो मैं अभी बताऊंगी वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक उसमें लगा दूंगी किस तरीके से क्या, मैं सबका एवेल्यूट करूंगी और मैं कोशिश करूंगी सबको सर्टिफिकेट भी, पार्टिसिपेशन जो आप कर रहे हैं मेरे साथ में सीख रहे हैं उसका सर्टिफिकेट भी मैं आपको दूं। आई विल ट्राई, मैंने बात की है अपने सीनियर से तो शायद आप लोगों को एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल सकता है। ओके, अब इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं। ओके गाइस, तो देखा आज हमने क्या बनाना सीखा। हमने सीखा है बॉडीज ब्लॉक, फीमेल बॉडीज ब्लॉक। जब मैंने ये बनाया था तो मुझे ए ग्रेड मिला था। आप देख रहे होंगे ये मेरी मैम के सिग्नेचर हैं और मुझे ए ग्रेड मिला था। मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपना असाइनमेंट सबमिट किया था और अब आपको इस तरीके से ये दोनों असाइनमेंट बनाने हैं। ये हमारा फीमेल बॉडी ब्लॉक आपको पोर्टफोलियो में ये लगाना है। ओके, आप ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, पोर्टफोलियो में आपको लगाना है। 15 जून तक असाइनमेंट सबमिट करना है। जो लोग टाइमली अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे मैं उन्हीं को सर्टिफिकेट दूंगी। जिन लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए उन्हें अपना असाइनमेंट जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है वहां जाके सबमिट करेंगे देन यू विल गेट योर सर्टिफिकेट कि आपको ये क्रॉकी बनाना आ चुका है, फैशन फिगर आप सीख चुके हैं, बॉडीज ब्लॉग आपसे आ चुका है। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ डिजाइन टेक्निक एंड अप्रोचेस। ओके, बहुत ध्यान से हाथ की सफाई के साथ, बहुत ध्यान से आंख और दिमाग खोल करके आपको अब ये पूरा का पूरा ब्लॉग देखना है और आपको ड्रॉ करना है। ये दोनों पहले इस तरीके से फिगर आउट करेंगे, ये सारा मेजर लर्न होना चाहिए, माइंड में यहाँ आना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। गॉट इट, तभी आप बन पाएंगे। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिए, मैम यहाँ प्रॉब्लम है तो उसको मैं सॉर्ट आउट करूंगी। बट अननेसेसरी क्या वर्ड है वो, खुराफात मत करिए। ओके, मैसेज कमेंट बॉक्स में जा करके कन्वर्सेशन चल रहा है। ओके, आई नो दैट यू आर अ स्टूडेंट तो आप कर सकते हैं, बट गिव मी योर फोन नंबर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आई हैव दिस प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू सॉर्ट आउट, मैम प्लीज हेल्प मी, मैम लर्न, मुझे सिखा दीजिए बैक पोज, हाउ टू ड्रॉ बैक पोज, हाउ टू ड्रॉ पोजेज, हाउ टू ड्रॉ बॉडीज ब्लॉक, 9 हेड फिगर 10 हेड फिगर, प्लीज मैम प्लीज डू समथिंग। तो गाइस मैं आपको बताना चाह रही हूँ, गर्ल्स एंड बॉयज जितने भी गर्ल लोग हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा पेशेंस रखें। ओके, और मेरे ब्लॉग को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी। एक पढ़ाने का भी प्रोसेस होता है। अगर आप मुझे बोलो 9 हेड बता दो तो मैं नहीं बताऊंगी, अगर आप बोलो 10 हेड बता दो तो मैं नहीं बताऊंगी। बट अगर आप प्रोसेस से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो मैं आपको सारा का सारा अच्छे से समझाऊंगी बताऊंगी। ओके, तो आज का असाइनमेंट आपको ये सारा बॉडीज ब्लॉक 12.5 बॉडीज ब्लॉक फीमेल बॉडीज ब्लॉक को ड्रॉ करके एंड देन आपको पोर्टफोलियो इस तरीके से बना करके मुझे सेंड करना है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस पे एकदम हाथ साफ होना चाहिए, ये बनाना आना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। ओके गाइस, तो आज का ब्लॉग यहीं पर, कल का ब्लॉग के लिए और कल तक आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बाय बाय।
It's alright.